हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.4, क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक कंप्लीट किए थे, 12th है हमारे पास। फोकाई प्लस माइनस 3√50 एंड लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ लेंथ 8। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दे रखी है 8 यूनिट। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 2b² / a, और फोकाई प्लस माइनस a₀। तो ae की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 3√5। तो सबसे पहले फोकस कंपेयर करेंगे प्लस माइनस ae₀। तो ae की वैल्यू कितनी आ गई? 3√5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है 8 यूनिट। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? 2b² / a। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, b² = 4। दैट मीन्स b² = 4a। अब जो हम फाइंड आउट करेंगे वो इसेंट्रिसिटी से जो फॉर्मूला निकाला था, ae² = a² + b²। तो ae कितना है? 3√5। 3√5 का स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज़। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4a। तो 3√5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 × 5 = 45। तो ये इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक बनी है हमारे पास। a² + 4a - 45 = 0। क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज आएंगी। 45 के यहाँ पर 4 के फैक्टर बनाए कि ये मल्टीप्लीकेशन 45 हो जाए, दैट इज़ 9a - 5a। 9 × 5 = 45। तो यहाँ से सॉल्व किया, ए प्लस 9 और ए माइनस 5 दो फैक्टर बन गए, तो ए की दो वैल्यू आ गई, -9 और 5। उसके बाद जो वैल्यू है ए की वैल्यू 5, ये यहाँ पुट करनी है सेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूले में, √1 + a² b² या ae² + b² यहाँ पुट करेंगे वैल्यू ए की, तो बी की आ जाएगी। बी की वैल्यू आते ही आपकी इक्वेशन आ जाएगी, x² / a² - y² / b² = 1। यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि जो हमने -9 है ए की वैल्यू वो नेगलेक्ट की, क्योंकि क्योंकि अगर ए की वैल्यू -9 यहाँ पुट करेंगे -9, तो इसेंट्रिसिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला में क्या होती है? ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, दैट मीन्स दैट शुड बी पॉजिटिव। सो वी निगलेक्ट -9, सो वी टेक a = 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 13 भी सेम है, फोकाई है प्लस माइनस 4√0, लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ लेंथ 12 यूनिट। सेम है, ए ई की वैल्यू हमारी 4 और 2b² / a की वैल्यू 12, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6 से। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ae² = a² + b²। वैल्यू पुट करनी है ए ई की वैल्यू 4 और बी स्क्वायर की जगह पुट करना है 6 से। ये सारी इक्वेशन आपकी ए में हो जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसी तरह यहाँ दो फैक्टर बन जाएंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 और -8। तो ए की वैल्यू 2 लेंगे, -8 पुट करेंगे, तो इसेंट्रिसिटी नेगेटिव हो जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2, ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो b² आ जाएगा आपका 12। तो ये फर्स्ट टाइप है, क्योंकि y₀ है, फोकस x एक्सिस पर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है x² / a² - y² / b² = 1। तो a और b की सिंपल वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। 14th में क्या है? वर्टिसेस गिवन है ±7√0 और इसेंट्रिसिटी गिवन है 4/3। तो वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे पास? प्लस माइनस ए ज़ीरो। तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 7 आ जाएगी, इसेंट्रिसिटी कितनी है हमारे पास? 4/3। तो ए ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, फोकस आ जाएगा, ए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 × 4/3, दैट इज़ 28/3। b² = ae² - a² ए ई की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 343/9। तो ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स जो है, वर्टिसेस कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी x² / a² - y² / b² = 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 49 और बी स्क्वायर की वैल्यू 343/9। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट वन। फोकाई 0 ± √10 पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। फोकस क्या हो? कंपेयर करेंगे 0 ± ae से। तो 0 ± ae से कंपेयर करेंगे तो ae की वैल्यू हो जाएगी √10। ae² = a² + b² तो यहाँ से a² + b² आ गया 10, या बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 10 - a². लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला इज, जो हमने जनरल फॉर्म है वो ले ली, वर्टेक्स और फोकस, फोकस यहाँ पर x₀ है, तो ये वर्टिकल हाइपरबोला है। y² / a² - x² / b² = 1।
अब यहाँ पर ए स्क्वायर तो एज इट इज़ बी स्क्वायर की वैल्यू ए में पुट कर देंगे, ये हो जाएगी 10 माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो हाइपरबोला है ये पास हो रहा है 2, 3 से, यानी एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई करेगी, तो एक्स की जगह हम 2 पुट करेंगे और वाई की जगह 3 पुट करेंगे। पासिंग पॉइंट हमें दे रखा है, तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट की, यहाँ से सिंपल एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको इसको सिंपलीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये पाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ए रेज टू पावर 4 माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। बाई क्वाड्रेटिक के भी क्वाड्रेटिक की तरह ही फैक्टर बनाने हैं, 23 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनकी प्रोडक्ट 90 आए, दैट इज़ 18 और 5। माइनस हैं तो माइनस 18 माइनस 5 ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस 18 माइनस 5 कॉमन, ए स्क्वायर माइनस 18, तो ए स्क्वायर की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 5 आ जाएगी और एक आपकी 18 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन सी, तो ए की वैल्यू हम लेंगे √5, क्योंकि √18 से ये ग्रेटर देन सी हो जाएगा हमारे पास, एसेंट्रिसिटी भी इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ए की वैल्यू आ गई √5, तो ए स्क्वायर हो गया आपका 5। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की, जो बी स्क्वायर आया था आपका 10 माइनस ए स्क्वायर, उसमें तो 10 माइनस 5 5, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई दोनों की वैल्यू यहाँ पर 5 ही है, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी ए की वैल्यू √18, ये पुट करके दिखा रही हूँ क्यों सेटिस्फाई नहीं करती, हमारे पास जो ए ई था वो √10 था, यहाँ पर ए की वैल्यू √18 पुट की, तो ए की वैल्यू हो जाएगी √10/18, ये लेस देन 1 आ जाएगा, जबकि सेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है ग्रेटर देन 1, तो ये जो ए की वैल्यू है √18 ये नेग्लेक्ट कर देंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इससे हमारे पास सेंट्रिसिटी लेस देन 1 आ रही है, बट इन हाइपरबोला सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, सो वी नेग्लेक्ट दिस वन, टेक द वैल्यू ऑफ दिस वन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.4, क्वेश्चन अप टू 15 ये फिनिश हो गई है। थैंक यू।